हेलो फ्रेंड, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ राजनीति शास्त्र के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें इससे पूछे जाते हैं सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में। और ये मेरा पांचवा लेक्चर रहेगा जो कि राजनीति शास्त्र पर है, और इस समय मैं एक टॉप 25 क्वेश्चन इसमें मैं बताने वाला हूँ, जिसका 125 क्वेश्चन तक हो चुका है, मैं बता चुका हूँ, और आज उसके आगे से मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए 126वां नंबर है, अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों पर खर्च किए गए धन पर कर नहीं देना होगा। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हो जाता है वो है अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है। और उसके बाद अनुच्छेद 29 जो है, 29 व 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार से है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 29 में एक और बात कही गई है, जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होता है। इसके बाद देखिए अगला जो इसी में आता है 130वां क्वेश्चन जो मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें देखिए 130 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो है अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। इसमें देखिए ये है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आते हैं वो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था को खोल सकता है, उसे चला सकता है, और सरकार इसके लिए उसे अनुदान भी देती है, और इसके लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके बाद जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संवैधानिक उपचारों यानी कि जो भी है वो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ये चीज़ बहुत अच्छी बात यहाँ पर है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है, कोई उसके मौलिक अधिकार को मतलब कि हनन करता है, तो उसके अंतर्गत वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। और इसके इसमें एक ये भी है कि उच्चतम न्यायालय को 5 तरह की रिट याचिका निकालने की शक्ति होती है। पहला इसमें देखिए ये हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है, किया गया है तो वो उसे गिरफ्तार व्यक्ति के आवेदन पर रिट निकालता है, और उच्चतम न्यायालय की उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने हाजिर किया जाता है। और इसके बाद देखिए इसमें पहला ये है परवादेश, यह आदेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा नहीं करता है, तो इस रिट के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय आदेश देता है और वह अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कहता है। इसके बाद दूसरा जो होता है वो प्रतिषेध लेख होता है, इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट में अपने नीचे के न्यायालय को आदेश देता है कि वह न्यायालय नीचे के न्यायालय अपने यहाँ कोई कार्रवाई न करे, और क्योंकि वह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो प्रतिषेध लेख में यह हो जाता है कि कोई भी जो न्यायालय है वो अपने नीचे के न्यायालय को आदेश दे सकता है, और वह कहता है कि वह इसके मामले में कोई भी कार्रवाई न करे जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। इसके बाद देखिए उत्प्रेषण होता है, तीसरा नंबर पर आ जाता है। तो इसमें यह है कि उच्चतम न्यायालय या हाईकोर्ट अपने नीचे के न्यायालय का मुकदमा अपने पास मंगा लेता है और निर्णय की जाँच करने के लिए। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण ये जो है उत्प्रेषण मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर भेजा गया मुकदमा, तो ये उत्प्रेषण हो जाता है। इसके बाद देखिए अधिकार परीक्षा के बारे में है, जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से सरकारी पद को ग्रहण कर लेता है तो हाईकोर्ट या उच्चतम न्यायालय उससे पूछता है कि वह किस अधिकार से इस पद को धारण करता है। और इसके बाद देखिए अगला जो है आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अक्सर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकार को छोड़कर बाकी सारे निलंबित हो जाते हैं, तो वो 20 एवं 21 को छोड़कर सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है
15, 16 और 19, 29, 30 यह सिर्फ जो अनुच्छेद है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त अधिकार है, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30। तो इसके बाद देखिए है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट और 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और मूल अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए भाग 4 में दिया गया है, अनुच्छेद 26 से 51 तक का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और इसमें दिया है संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये जितने भी पॉइंट सिंगल लाइन क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। आप सिर्फ इन 2-3 बार, 3 बार या 4 बार एक वीडियो को देखते हैं तो वो आपको कंठस्थ तरीके से याद हो जाएगा। तो नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद देखिए है अनुच्छेद 37 के भाग 4 में ये बताए गए तत्वों को किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला जो है क्वेश्चन वो है अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का राज्य का कर्तव्य होगा कि वह गरीबों को बिना पैसे के निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। ये अनुच्छेद 39 में दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 40 में देखिए दिया गया है जो वो है ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाना है और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण से संबंधित है। इसके बाद है भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और इसके बाद देखिए है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही संविधान में 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इसके बाद देखिए है 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और इसके बाद है भारत में राष्ट्रपति जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तथा संविधान की रक्षा का दायित्व भी राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति को स्वविवेक तथा संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये सब क्वेश्चंस जो है सिंगल लाइन क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको इसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बस इस वीडियो को आपको देखना है, आपको खुद खुद याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए है यहाँ पर देखिए दिया गया है अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रस्ताव किया गया है। तो राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है जो कि अनुच्छेद 74 में दिया गया है, अनुच्छेद 74(1) में दिया गया है। इसके बाद यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उस पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकेगा। इसके बाद है यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद है राष्ट्रपति बनने की योग्यता 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरह से आज के टॉप 25 क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। इसके बाद मैं और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मैं पूरा सीरियल बाय सीरियल आप लेकर चल रहा हूँ, सारे अनुच्छेद आपको इसमें मिलेंगे। और इसके बाद मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें सिर्फ अनुच्छेद से संबंधित है, इसमें तो ये पूरा राजनीति शास्त्र में बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।